महाप्रभु जी का अवतार हुआ है बंधुओं, उस समय का भारत सामान्य नहीं था। कैसा भारत था? ओहो, चारों ओर भारतवर्ष में मुगलों का आतंक था, यवनों का आतंक था, बंगाल का राजा हुसैन शाह था, सरेआम गो हत्या होती थी, जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, हिंदू बहु बेटियों को सड़क पर बेइज्जत किया जाता था, लेकिन हिंदू की कहीं सुनवाई नहीं थी। क्यों? शासक ही यवन था, हर प्रांत का शासक यवन था, हर जिले का मेयर यवन था, सारी सेना, सारी अर्थव्यवस्था यवनों के अधीन थी। तलवार की नोक पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, या तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था, या तो धर्म परिवर्तन करो और या तो तुमको मार डालेंगे, ऐसी अवस्था थी। और जो हिंदू थे बचे कुचे ऐसे विप्लव से, उनकी क्या स्थिति थी? वो नाम मात्र के हिंदू थे, वो सनातन धर्म से लगभग विमुख हो चुके थे। उन्होंने बलि चढ़ाना, देवी को पूजना, मांस मदिरा का भोग लगाना, इसी को धर्म मान लिया था। तो जो हिंदू थे वे भी पदभ्रष्ट हो गए थे, और यवनों का कुचक्र तो भारत में चल ही रहा था। ऐसे समय में श्रीमन महाप्रभु जी का अवतार हुआ है। अनेक भक्त लोग भी आए, ऐसा समझिए कि किसी राजा के राज पर कोई दुश्मन आक्रमण कर दे तो पहले राजा खुद लड़ने नहीं जाता, सेनापतियों को भेजता है, सैनिकों को भेजता है, सैनिक लोग जाके लड़ते हैं, सेनापति जाके लड़ते हैं। तो महाप्रभु जी का अवतार पीछे हुआ, पहले कितने कितने आचार्य संतों का आविर्भाव हुआ, सबने सनातन धर्म की रक्षा की। जैसे सेनापति जाकर के अपने राज्य की रक्षा करे, लेकिन जब राजा देखता है कि अब सेनापतियों से काम नहीं चलेगा, अब केवल मंत्रियों से सैनिकों से काम नहीं चलेगा, शत्रु प्रबल है, तब आखिर में स्वयं राजा दल बल के सहित अपनी पूर्ण सामर्थ्य के सहित रणभूमि में उतरता है और शत्रु का संहार करता है। गौरांग अवतार में भी बंधुओं आपको ऐसा ही दर्शन होगा। पहले महाप्रभु के सब परिकर अवतरित हुए हैं, उन्होंने कलयुग से मोर्चा लिया है, यवनों से देश को बचाने का, हरिनाम संकीर्तन हरि भक्ति प्रचार का पूरा प्रयास किया है। लेकिन जब स्वयं श्री कृष्ण ने देखा कि केवल इन भक्तों के प्रयास से काम नहीं बनेगा, स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, भागवत जी कहती है ना, एतै चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ेगा, तब श्री कृष्ण इस भारत भूमि की डूबती नैया को पार लगाने के लिए, बंधुओं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, गोमाता की, संतों की, ब्राह्मणों की, ग्रंथों की, युग धर्म की रक्षा करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए प्रकट होते हैं। ये गौरांग अवतार का प्रकट प्रयोजन है, प्रकट प्रयोजन है, बाह्य प्रयोजन है। कैसे देश की रक्षा हो, कैसे राष्ट्र की, संस्कृति की, धर्म की रक्षा हो। आप सोचिए, आज जितना भी भारत हमको उपलब्ध है, अखंड भारत तो उपलब्ध नहीं है, अफगानिस्तान,
ईरान, भूटान, चीन, बर्मा, ये सब भारत के अंश हैं बंधुओं। ये सब भाग कटते रहे, टूटते रहे, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो अभी बने हैं, लेकिन आज फिर भी भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन सारी अर्थव्यवस्था, सारी सेना की बागडोर यवनों के हाथ में तो नहीं है। महाप्रभु जी के काल में तो सारी सैन्य व्यवस्था यवनों के हाथ में थी, सारी अर्थव्यवस्था यवनों के हाथ में थी, और हिंदू की कहीं सुनवाई नहीं थी। लेकिन धन्य है महाप्रभु जी को, धन्य है गौरांग अवतार को, ऐसी कीर्तन की लहर, ऐसी कृष्ण नाम की, कृष्ण भक्ति की गंगा महाप्रभु प्रवाहित किए हैं, हरि बोल कहकर पूरे भारत वर्ष के हिंदू समाज को एक किया। हम लोग सुनेंगे जब नवद्वीप में उस चांद काजी ने संकीर्तन पर पाबंदी लगा दी थी, घोषणा कर दी थी, कानून बना दिया था कि कोई हिंदू कीर्तन नहीं कर सकता, किसी के घर से घंटी बजाने की आवाज ना आ जाए, करताल की आवाज ना आ जाए, किसी के दरवाजे पर गाय ना बंधी हो, किसी के दरवाजे पर तुलसी जी का पौधा ना हो। आप देखिए चरित्र खोल के, तुलसी जी के पौधे पर यमन लोग मलमूत्र कर जाते थे, उखाड़ फेंकते थे तुलसी जी के पौधे को। ऐसा कठिन समय था, ऐसा कठिन समय था कि हिंदू लोगों को भी दाढ़ी बढ़ानी पड़ती थी, शौर कार्य करने के लिए, चोटी रखने के लिए नाई नहीं मिलते थे। यवनों ने शमशान घाटों पर कब्जे कर लिए थे, हिंदू को दाह संस्कार के लिए स्थान नहीं मिलते थे। ऐसा कठिन समय था। ये दुनिया में गीत बसता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। भैया ये बिना खड़क ढाल के आजादी नहीं मिल गई, देशभक्तों ने बलिदान किया। और ये भी सत्य बात है कि केवल तोप और बारूद से आजादी नहीं मिल गई, हमारे आचार्य स्वयं, हमारे भगवान ने आकर के इस भारत भूमि की रक्षा करी है। ये दुनिया में हिंदुस्तान न होता, हिंदू न होते, सनातन धर्म न होता, इस भक्ति भक्ति युग में इतने भक्तों का अवतार न हुआ होता। जब स्वयं श्री राम, श्री रामानंद आचार्य जी के रूप में प्रकट भए, कैसे कैसे श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल जी में कहते हैं, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो, बहुत काल बबुधार के प्रणत जनन को पार कियो। स्वयं श्री राम, श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट भए, भारत माता की रक्षा की है। हिंदू धर्मोद्धारक हैं श्री रामानंदाचार्य भगवान। स्वयं शंकर भगवान श्री शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट भए, चार धाम की स्थापना करी, भारत भूमि की रक्षा करी है। अरे स्वयं वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए हैं, उद्धव जी सूरदास जी के रूप में आए हैं, माधवी गोपी मीराबाई जी के रूप में आए हैं, प्रहलाद जी कबीरदास जी के रूप में आए हैं, जनक जी गुरु नानक देव जी के रूप में आए हैं। हम अपने इन सब महापुरुषों के चिरऋणी हैं, हम इन्हीं आचार्यों की, संतों की संतान हैं। इन आचार्य संत महापुरुषों का अवतार न हुआ होता बंधुओं, न हिंदुस्तान होता, न हिंदू होते, न सनातन धर्म होता।